सूबे अंदर भखदे मुद्दों नूं लै के पंजाब कांग्रेस हुण अपनी असल विरोधी धिर की भूमिका दे विच कुछ आउंदी जाप रही है। भगवंत मान सरकार नूं घेरन की पूरी तैयारी दे विच है और इस नूं लै के अज पंजाब कांग्रेस दा एक वफद सूबे दे राजपाल नूं मिलिया। इस दौरान दिल्ली ते पंजाब दरमियान होए एमओयू नूं रद्द करन की मंग की गई है और नाल ही पटियाला हिंसा का भी जिक्र किया गया। पंजाब विचली कानून व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने उभारिया। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ते आगू विरोधी धिर प्रताप सिंह बाजवा इस मौके पर अपनी लीडरशिप नाल और जिहड़े अपने उन्होंने साथी ने सहयोगी ने पार्टी वर्कर ने उन्होंने नाल मौजूद आ नजर। एमओयू जिहड़ा साइन किया एक्नोलेजमेंट शेयरिंग वाला उहदे ते मैं तुहानू दसना चाहुंदा हां कि पंजाब दे लोग महसूस कर रहे हैं कि जिवें सानू दिल्ली वालियां नू गिरवी दे दिता होवे, ठेके दे दिता हो कि अज तक जिन्ने भी एमओयू साइन होए है वो एमओयू साइन इन द प्रेजेंस ऑफ कि मुख्यमंत्री साहब उत्थे उन्हां दे सामने सैक्रटरी या चीफ सैक्रटरी या ज्वाइंट सैक्रटरी एमओयू साइन कर सकता है, लेकिन इत्थे जिहड़ा एमओयू साइन होया है वो दोनों मुख्यमंत्रियों ने ही आप दी आप साइन करके कर लिया, जिहड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन की उलंघना है, कर ही नहीं सकते है कि किसी भी तरीके का तुसी एग्रीमेंट करना है। ये हुणे ताजी अमेंडमेंट हुई भी है, तुसी एल जी की परमिशन तो बिना किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तुसी कर नहीं सकते, सरासर कॉन्स्टिट्यूशन की उलंघना है। और अज असी ये कह के आए हैं कि इस जिहड़ा एग्रीमेंट है जिहड़ा एमओयू है ये कॉन्स्टिट्यूशनल की उलंघना है, तो गवर्नर साहब तुसी साडे कस्टोडियन हो, तुहाडा ये फर्ज बनता है कि तुसी इहदे ते इनू एग्रीमेंट नू रद्द किया जाए, एमओयू नू रद्द किया जाए। सही महीने के विच जिस तरह पटियाले वाला इंसीडेंट होया असीं ये गल कही सी कि वेखो तुहाडी इंटैलीजेंस एजेंसीज ने पुलिस एजेंसीज ने इन्हां नू तकरीबन एक हफ्ता पहले वॉर्न कर दिता गया सी कुछ संस्थावां वल्लों कि असीं इस किस्म का पटियाले दे विच जुलूस कढ़ना है, तो दूसरे पासों भी तैयारी हो रही सी। तुसीं जो इंसीडेंट हो गया सारा दो कम्यूनिटीज जिहड़ियां हमेशा जिन्हां दा नौ ते बासदा रिश्ता उन्हां दे विच तनाव पैदा करके मगरों तुसीं आई जी बदलता या कोई डी आई जी बदलता या कोई एस पी बदलता, ये सही मायने दे विच बकायदा तौर फेलियर है। पंजाब सरकार नूं इहनू इंटरसैप्ट करना चाहिए पहले तो। सरकारां चंगीआं सरकारां उह कहीआं जांदीआं जिहड़े प्रीएम्प्टिव मैजर्स ले, बाद दे विच सारे लै लैंदे। असीं यह दस्सिया कि तकरीबन 55 तो 60 कतल पंजाब च हो चुके, नामी लोग दिन दिहाड़े चलते हुए कबड्डी के मैचेस के लोगों नूं जिस तरह मारिया गया, मेरे एरिए दे विच 4 कतल होए ने। सो ये सारी चीज़ जिहड़ी है पुलिस नूं सतर्क रहिंदी, नवें आए ने गल ठीक है तजर्बे की कमी है, बट बड़े शौक दे नाल लोगों नूं ये गल कही है बदलाव लैके। बदलाव की लैके आवांगे, किसी आदमी की ना जिंदगी महफूज है ना किसी की जायदाद महफूज है सूबे दे विच। जिन्ना चिर असी लॉ एंड ऑर्डर नूं कंट्रोल नहीं करते, मैं केजरीवाल साहब नूं भगवंत मान जी दे आका जी नूं भी बेनती करना चाहुंदा कि पंजाब दे विच अमन शांति बहाल होएगी तो कोई बाहरों इंडस्ट्री लगाउण वास्ते या इत्थे कोई इन्वेस्टमेंट वास्ते आएगा। जिस किस्म का तुसीं माहौल बनाया पंजाब, सानूं तो खदशा कि जिहड़े इत्थे है ने इह वी ना किते भज जाणे। और इस खबर ते जानकारी दी सांझ वधाउण लई नीतिका साडे नाल जुड़े है। नीतिका, पत्रकारिता का चश्मा की कहता है कि चिंता वधेरे सी जां जिवें सरकार इल्जाम ला रही है कि सियासत सी महज जां फिर अपने आप नूं उभारन दी इक कोशिश सी।
देखो तुसी बहुत वधिया फरमाया नवजोत की अपनी खिचोतान तो निकल के कांग्रेस ने आज विरोधी धिर का रोल अदा किया है। दोवें ही बड़े अहम मुद्दे ने जिसको लेके गवर्नर दे नाल मुलाकात की है पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने CLP ने ते नाल होर सीनियर लीडर्स ने MOU साइन करन नू लेके MOU तो अंदा सी कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ते दिल्ली दे मुख्यमंत्री ने 26 अप्रैल नू जिहड़ा है साइन किया सीगा। नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट इस दा नाम दिता गया सी, हालांकि किया गया सीगा कि इहदे विच 18 अजे पॉइंट्स हैं जिसनू लेके सहमति बनी है कि डिपार्टमेंट जिहड़े ने एक दूजे दे नाल जिहड़ी है डिस्कशन कर सकते ने, पर तुहानूं सी कि इस नूं लेके आम आदमी पार्टी वालों अपनी एक क्लैरिफिकेशन दी गई सी कि सिर्फ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, एक पेज का सिर्फ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कई काम दिल्ली गवर्नमेंट बहुत वधिया कर रही है जिहड़े पंजाब च लागू होने चाहिए या पंजाब सरकार उस तों सीख सकती है, ते कई काम अजिहे होंगे जिहड़े पंजाब सरकार करन जा रही है उसनूं दिल्ली च लागू किया जा सकता है या दिल्ली च उसनूं अपनाया जा सकता है, ते इसलिए MOU साइन किया गया ताकि अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है बेहतर हो सके। लेकिन कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी वालों खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ते पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरह किसी भी एग्रीमेंट से साइन नहीं कर सकते सीगे, MOU ते साइन नहीं कर सकते सीगे, इस तो पहला LG की परमिशन जिहड़ी है लेनी जरूरी है, उस तो बिना अजिहा पॉसिबल नहीं हो सकता। नाल ही सिर्फ ऑफिसर जिहड़े ने उही MOU ते साइन कर सकते ने, नाल ही उन्हां वल्लों आर्टिकल्स दीआं दलीलां जिहड़ियां दित्तियां गईआं ने, आर्टिकल 154 दा जिक्र जिहड़ा है उन्हां वल्लों कीता गया है। यह भी दस दी कि उन्हां दा कहना है कि दिल्ली दे मुख्यमंत्री ने पंजाब दे ऑफिसर्स दी मीटिंग सद्दी सीगी, उस नूं लै के काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा होया सी, पर दिल्ली दे मुख्यमंत्री पंजाब दे मैटर्स च दखल अंदाजी कर सकन, यही कारण है कि इस MOU ते साइन किया गया है। यह भी अपील जिहड़ी है ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ MOU ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ DGP ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਤਿਕਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।